अगर आप अपने किसी भी फोटो में इस तरीके की हैवी या स्पोर्ट बाइक लगाकर फोटो को करना चाहते हैं इसी स्टाइल में एडिट, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको सबसे सिंपल और इजी स्टेप। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए ताकि हर स्टेप जो है वो आप हिंदी में सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पिक्सआर्ट में मैंने अपना फोटो ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ से मैं टूल्स में चले जाऊँगा, फ्रीकोप में चले जाऊँगा और इसे पीएनजी साइज में क्रिएट करूँगा। तो पीएनजी से मुझे एक और बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे लगातार काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर को कि भाई पीएनजी बनाने का कोई आसान तरीका बताओ। दूसरे चैनल वाले बता रहे हैं मतलब कि एक बैकग्राउंड के ऊपर अपना फोटो एडिट करके इरेज कर देते हैं। तो देखिए वो देखने के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई बहुत ही आसान स्टेप है, बहुत ही ईजी स्टेप है, लेकिन आप जब उसे करने तब आपको पता चलेगा कि वो इजी स्टेप नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए अच्छा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पीएनजी ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि वो तरीके में जो है दूसरे तरीकों में क्लियरिटी नहीं आती है जैसी क्लियरिटी पीएनजी में आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको खाली ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। दो चार पीएनजी आप बनाओगे तो आपसे भी बिल्कुल ही क्लियरिटी आपके पीएनजी में आएगी। तो यहाँ पर खाली आपको ज़रूरत है थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीएनजी बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक ले लूँगा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज की साइज़ आप पे डिपेंड करती है कौन से साइज़ में आप अपना फोटो एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐड करने के बाद जिसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इस पर एक इफेक्ट हम लगा देते हैं ताकि हमारे बैकग्राउंड में एक लुक आ सके। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑयल पेंट इफेक्ट ले लूँगा। ठीक है, ऑयल पेंट इफेक्ट लेने के बाद ऊपर से रबर के सिंबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ले लूँगा मैं रबर और हल्का सा जो है वो नीचे से इरेज कर लूँगा। यहाँ पर मुझे अपनी बाइक ऐड करनी है, वहाँ से मैं थोड़ा सा ऑयल पेंट हटा दूंगा। ठीक है, इरेज कर दूंगा। इसके बाद जो मैं फिर से आ जाऊंगा ड्रो में आने के बाद जो है यहाँ पर मैं ऐड करूंगा पीएनजी साइज की बाइक। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बाइक मैंने यहाँ पर ऐड की है वही बाइक आप ऐड करें, आपको ट्रिक फॉलो करना है। ठीक है, आप कोई भी बाइक जो है अपनी पसंद की यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ये लगाई है, आप कोई और भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाइक अपनी जगह पर रखने के बाद एम्प्टी लेयर्स लूँगा। लेयर्स लेने के बाद जो है हमने जो स्टार्टिंग में पीएनजी क्रिएट किया था उसे मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद देखिए इस तरीके से बाइक के आगे रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इस फोटो की विजिबिलिटी को कम कीजिए। ठीक है, जैसे आप विजिबिलिटी कम करेंगे पीछे की बाइक जो है वो आप क्लियरली देख पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसे थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर दीजिए, नहीं तो जो साइज़ आपको रखना है वो साइज़ आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो बाइक के साथ मैच हो इस तरीके का आपको साइज़ लेना है। और उसके बाद जो है आपको ले लेना है रबर। रबर लेने के बाद जो है देखिए इस तरीके से इरेज कीजिए। इसकी विजिबिलिटी आप फुल करके भी इसे इरेज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको पूरी बाइक का जो फ्रंट लुक है, फ्रंट का साइज़ है, वो पूरा इरेज कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्लियरिटी अगर नहीं आएगी, देखिए बॉर्डर पे इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी क्योंकि आपको यहाँ बॉर्डर क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए जो आपको क्या करना होगा कि इसकी विजिबिलिटी को फिर से आपको कम करना होगा। ठीक है, आप कम करेंगे तो आपको उसकी बाइक की बॉर्डर यानी कि दिखाई देगा उसका मॉडल का बॉर्डर। तो यहाँ से आप जो है वो जूम करके आप इरेज कर सकते हैं ताकि एक क्लियरिटी आ सके। तो आपको जिस तरीके की ज़रूरत हो उस तरीके का जो है वो आप यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। चाहे इसकी विजिबिलिटी 100% रखें, चाहे इसकी विजिबिलिटी जो है 50% रखें या उससे भी आप कम रखें। ठीक है, बस आपको यही ट्रिक करनी है कि इसकी जो है इस तरीके से पूरा मॉडल को हल्के हाथ से इरेज कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा ये कि इसके बीच में ज़रा भी गैप नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप गैप रह गई तो आपका फ़ोटो फेक लगेगा। ठीक है, ये ट्रिक्स आप कोई भी जो है बाइक अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी विजिबिलिटी फुल कर दूंगा। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से बाइक ऐड हो चुकी है, लेकिन देखिए जो ये मिरर होता है वहाँ का थोड़ा सा पार्ट जो है उसका जो है वो रह गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई। ठीक है, तो ब्रश की साइज़ को मैं और जो है छोटा कर दूंगा और इस तरीके से जो है वो इसे इरेज कर लूँगा। अब ये साइड का भी मिरर रह गया है थोड़ा सा इरेज करने के लिए, तो मैं इस तरीके से इरेज कर दूंगा। तो ये स्टेप से आप कोई भी एनीथिंग कोई भी बाइक जो है वो आप अपने फ़ोटो में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ही ओरिजिनल लगेगा, बिल्कुल ही फेक नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा स्टेप है, मैंने खुद बहुत बार ट्राई किया है, बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके एक अच्छा फ़ोटो मैं बना पाया हूँ। बस आपको इसलिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ सिंपल से स्टेप।
क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टेप में जो है यहाँ फ़ोटो एडिट किया, तो मुझे जो आसान स्टेप लगा जो मेरे सब्सक्राइबरों को जो है आसान लगे और इजीली जो है वो एडिट कर पाए, ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसलिए मैंने ये स्टेप यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ कीवर्ड लगाना चाहते हैं मूवी टाइटल जैसा, तो यहाँ से इस तरीके की जो है फ़ोटो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इस तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लुक लगाना चाहते हैं बाइक में, तो यहाँ पर आप लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंस का जो है वो आप अपने जो बाइक की लाइट्स होती है वहाँ पर उस लाइट्स को ऑन यानी कि चालू लाइट का लुक भी यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए मैं एक लेंस जो है वो अपने यहाँ पर रख देता हूँ बाइक के एक साइड, और दूसरी बार वही लेंस को मैं दूसरी साइड रख दूँगा, तो यहाँ पर इसकी लाइट्स जो है वो ऑन है, इस तरीके का भी आप लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब बचा यहाँ पर लास्ट स्टेप जो है फाइनल लुक जो है यहाँ पर आना चाहिए, तो उसके लिए मैं चले आऊँगा इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट लगानी है HDR, ठीक है। इस पर आपको खाली इफेक्ट कहाँ लगानी है, खाली बाइक पे इफेक्ट लगानी है ताकि आपकी बाइक में थोड़ी चमक आ सके। देखिए इस तरीके से आप जो है इफेक्ट लगाएंगे तो बाइक के अंदर एक जो है ओरिजिनल चमक आ जाएगी। तो वीडियो बहुत ही छोटी थी, अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे एक लाइक दें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।